अस्सलाम वालेकुम। चूज़ों के बेहतरीन मायार का ताल्लुक उन अंडों की हैंडलिंग, उन अंडों के साथ बर्ताव से वाबस्ता है जिनसे चूज़े निकलते हैं, और इसी मायार के हसूल के लिए आपके साथ इस वीडियो में कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। जब भी जरहेज़ या फर्टाइल अंडा हाथ में पकड़ें या डरबे से उठाकर किसी बर्तन या ट्रे वगैरह में रखें तो जहन में होना चाहिए कि इस अंडे में ज़िंदगी मौजूद है और ये नाजुक जिंदा चीज़ आपकी जानब से एहतियात की तलबगार है। ज़रा सी बेहतियाती से इन अंडों से चूज़े निकलने की शरह मुतासर हो सकती है। अंडे की शक्ल का बगौर मुआयना करें तो एक हिस्सा बड़ा है, जैसा कि इसके ऊपर दायरा लगाकर दिखाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा अंडे की टिप है जो कि निस्बतन पतला है, छोटा है। हमेशा जरहेज़ अंडे, फर्टाइल अंडे का मोटा हिस्सा ऊपर की जनब रख कर ज़हीरा करना चाहिए। चूज़े निकलवाने से पहले इन अंडों को ज़हीरा करने, स्टोर करने के लिए गत्ते की ट्रे में रख सकते हैं, साफ़ प्लास्टिक ट्रे में रख सकते हैं, या कोई और बर्तन मयसर है तो इस बर्तन में कोई ऐसा मटेरियल डालें कि जिसमें अंडों को इस तरह से खड़ा किया जा सके। मटेरियल साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे लकड़ी का बरादा हो, तूड़ी या छिलका वगैरह। अगर आप अंडों को प्लास्टिक या गत्ता ट्रे में स्टोर कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको किसी किस्म का कोई भी मटेरियल दरकार नहीं है। जहाँ भी जिस भी जगह पे आपने अंडों को ज़हीरा करना है वहाँ अंडे इस तरह से खड़े करें। तो अब आप इन अंडों को कम अज़ कम 15 से 20 दिनों, 20 से 25 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। दारोमदार होगा कि मौसम कौन सा है। अगर मौसम गर्मा है तो उस सूरत में आपको लंबे अरसे तक अंडों को स्टोर करने के लिए ठंडक के किसी न किसी माकूल ज़रिए का बंदोबस्त करना होगा। लेकिन जितनी ज़हीरा अंदोज़ी, स्टोरेज की मुद्दत तवील होती जाएगी, उतना इन अंडों से चूज़े निकलने की शरह यानी कि हैचबिलिटी मुतासर होती जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी ताज़ा अंडों को आप एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इनक्यूबेटर में लगा लें या मुर्गी के नीचे रख लें, उतनी हैचबिलिटी और चिक क्वालिटी यानी कि चूज़ों का मयार अच्छा आएगा। अतराफ में लाइन लगाने का मकसद ये है कि जब हम इन अंडों को इनक्यूबेटर में लगाएंगे, हम इस लाइन को देख के समझ सकें कि सुबह के वक्त अंडों की क्या पोजीशन थी, दोपहर को क्या थी, शाम को क्या थी। इन्हें हमने दिन में कम अज़ कम 3 से 4, 4 से 5 मरतबा टर्न करना है, चाहे मशीन से या हाथ से, ताकि अंदर मौजूद जर्दी छिलके से ना चिपके, नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो की मौत वाक़या ना हो और हमें मायारी किस्म के चूज़े हासिल हों। अंडा अपने वज़न के लिहाज से जितना 50 ग्राम के करीब होगा या वज़न 50 ग्राम से ज़्यादा होगा, उतना ऐसे अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब हासिल होगा। टूटे हुए अंडे, अंडों पे धब्बे, बीटों के निशानात, ये सब इनक्यूबेशन के दौरान यानी कि 21 दिनों की दुरानिया में जब आप अंडे से चूज़े निकलवाते हैं, अंदर की जानब नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर आपके पास एक टूटा हुआ अंडा आ जाए तो आप देखेंगे कि मुर्गियों के अंडे की जर्दी पे मौजूद सफ़ेद गोल छोटा सा निशान होता है, स्पॉट होता है, एक जगह होती है, यहाँ से स्पर्म्स अंडे में दाखिल होते हैं। आपको पानी वाला हिस्सा यानी एल्ब्यूमिन दिखा रहा हूँ। जितनी जवान मुर्गी होगी, यंग होगी, जितनी गजाइत से भरपूर गजा खाती होगी, उतना ही ये पानी नुमा हिस्सा यानी कि एल्ब्यूमिन थिक होगा, गाढ़ा होगा। ये आपको जर्मिनल डिस्क, ब्लास्टोडिस्क दिखा रहा हूँ। यहाँ से स्पर्म्स अंडे में दाखिल होते हैं। अंडे का न्यूक्लियस ब्लास्टोडिस्क में होता है और इसी डिस्क से एम्ब्रियो की नशोनुमा होती है। जैसे जैसे इनक्यूबेशन पीरियड आगे की जानब चलता है, आहिस्ता आहिस्ता खून की रगें जर्दी में दाखिल होकर इसी में मौजूद गजाइत को, न्यूट्रिशन को अपनी ग्रोथ, नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करती हैं। बाकायदा तरीके से जर्दी के ऊपर ब्लास्टोडिस्क बनी हो, डोनट शक्ल की, तो हम कहते हैं कि अंडा ज़बरदस्त फर्टाइल है, जरहेज़ है। इन अंडों को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाइएगा, क्योंकि अगर जरहेज़ अंडे सनलाइट में आ जाएं तो तब भी अंदर मौजूद जरहेज़ी मुतासर होती है, हैचबिलिटी अच्छी नहीं आती। जब आप अंडों को डरबू से उठाएं, उठाने के दौरान, ट्रेज या बर्तनों में रखने के दौरान या स्टोरेज के दौरान अंडों को झटके ना लगने दें, ताकि अर्ली एम्ब्रियो मोर्टेलिटी ना हो, क्योंकि हैचबिलिटी के मुतासर होने की एक बहुत बड़ी वजह अर्ली एम्ब्रियो मोर्टेलिटी है और उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकती है, मिस हैंडलिंग हो या फिर कोई और। जब तक आप इन अंडों से चूज़े नहीं निकलवाते, तब तक इन्हें 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान स्टोर करें, यानी 18, 19 या 20 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत मुहैया करें, क्योंकि 18 से 20 से जैसे ही दर्जा हरारत तजावज़ करेगा, यहाँ से बढ़ने लगेगा। इसके बाद अंडों के अंदर नशोनुमा का आगाज़ होने लगता है। नमी को 65 से 75% के दरमियान बरकरार रखने की कोशिश करें, ताकि अंडों को कदरे लंबे अरसे के लिए ज़हीरा करना चाहें तो अंडों की जरहेज़ी मुतासर ना हो। अगर आपके पास ब्रीडिंग फ्लाक है, ब्रीडर्स हैं, तो इनके अंडों की सफाई से कलेक्शन उठाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बिस्तर और उस जगह को जहाँ पे मुर्गियों ने अंडे देने हैं दोनों को साफ़ रखना है। अंडे बर वक्त उठाकर खुडे को ऐसे बंद करें कि अगले दिन से पहले मुर्गियाँ इस जगह पे ना बैठ सकें। तमाम कावशों के बावजूद इक्का दुक्का अंडे गंदे हो जाएं तो उनकी सफाई के लिए ब्लेड इस्तेमाल करें। अंडा धोने, गीला कपड़ा इस्तेमाल करने या रेगमार से अंडा साफ़ करने को तरजीह ना दें, क्योंकि अंडे की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेगमार अंडे के शेल को, छिलके को काफ़ी हद तक पतला कर देता है। जब आप अंडा इनक्यूबेटर में लगाएंगे वहाँ पे किसी भी किस्म की हल्की फुल्की कंटेमिनेशन हुई, गंदगी हुई तो छिलके के ऊपर मौजूद पोर्स, सुराख से पैथोजेंस अंदर की जनब जाएंगे, जरसूबे अंदर दाखिल होंगे और हैच रिजल्ट खराब करने का बायस बनेंगे। ब्लेड से सफाई के दौरान अंडे को ज़्यादा झटके ना दें ताकि अंडे के अंदर जरहेजी मुतासर ना हो बल्कि सलामत रहे। आपके पास प्लास्टिक या गत्ते की जो ट्रे है या फिर इनक्यूबेटर के अंदर की जिस तरह की साख्त होती है वहाँ पे जैसे अंडा लगता है, उसका मकसद यही होता है कि बिल्कुल इसी तरतीब के तहत मोटा हिस्सा ऊपर रहे, नोकीला हिस्सा नीचे रहे। और अंडों को ऐसे लगाने का मकसद ये होता है कि जो ऊपर वाला मोटा हिस्सा होता है यहाँ से रेस्पिरेशन का अमल होता है, यानी कि अंदर नशोनमा पाता हुआ एम्ब्रियो यहाँ से अमले तनफस के जरिए ऑक्सीजन हासिल करता है, हैच रिजल्ट बेहतर आता है। और जहीरा अंदोजी के दौरान एक ही जगह पे अंडों का ढेर लगाने के बजाय अंडों के दरमियान कुछ वक्फा होना चाहिए, चाहे दो ट्रेस के दरमियान या दो बर्तनों के दरमियान, ताकि अंडों के ऊपर नीचे दाएं बाएं से हवा गुजर सके। अंडों की तरसील करनी हो तो बाहिफाजत तरीके से करें ताकि ब्लास्टो डिस्क महफूज रहे। ये तमाम अहम सरगर्मियाँ लाजम हैं ताकि जरहेज अंडों से ज़्यादा चूज़े हासिल किए जा सकें। ज़ेर इस्तेमाल साजो सामान अलग हो सकता है, यानी ऐन मुमकिन है कि आप गत्ता या प्लास्टिक ट्रे के अलावा दीगर बर्तनों को इस्तेमाल में लाते हों, लेकिन तरीकाकार यही होना चाहिए, चाहे आप मुर्गबानी छोटे पैमाने पे कर रहे हैं या बड़े पैमाने पे। एक अहम तरीन पहलू शेयर करता चलूँ कि जितनी तादाद में आपके पास अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं ऐन उनकी तादाद के मुताबिक ही आपने खुड्डू का बंदोबस्त करना है जहाँ पे उन्होंने अंडे देने, क्योंकि अगर मुर्गियों के तनासब के हिसाब से खुड्डू की तादाद कम हो तो अंडे ज़्यादा गदले होंगे। और ये भी मुमकिन है कि मुर्गियाँ अनकरीब खुड्डू के बजाय नीचे अंडा देना शुरू कर दें, जिन्हें हम फ्लोर एग्स, फर्शी अंडे का नाम देते हैं। फ्लोर एग्स के साथ बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन लगती है, गंदगी लगती है, क्योंकि मुर्गियों ने नीचे बिस्तर पे बीठे करनी होती हैं, दीगर जुर्सूमें होते हैं, इकोलाई वगैरह, तो ये अंडों की सरफे से अंदर दाखिल होकर जरहेजी को बुरी तरह से मुतासर कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश होनी चाहिए कि आप खुड्डू को उस जगह पे रखें कि जहाँ पे रोशनी कदरे मध्यम हो, क्योंकि मुर्गियों को अंडा देने के लिए ऐसी ही जगह चाहिए होती है। और अगर किसी भी वजह से फ्लोर एग्स की तादाद में इजाफा होने लग जाए तो जल्द से जल्द इस आदत को ख़त्म कीजिएगा। जहाँ पे मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देती हैं वहीं पे खुड्डे रखें, क्योंकि बुनियादी तौर पे फ्लोर अंडों को, फर्श से मिलने वाले अंडों को इनक्यूबेटर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनमें से हैचबिलिटी के तनासब बहुत कम हासिल होते हैं। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा तादाद में चिकन्स हैं तो सुबह ग़िज़ा तकसीम करने के बाद कोशिश होनी चाहिए कि उससे अगला काम हम रैकर या पंजी के इस्तेमाल वाला करें, क्योंकि रैकिंग से बिस्तर साफ़ होगा, मुर्गी इस साफ़ बिस्तर से चलेगी, उसके पंजे भी साफ़ होंगे जहाँ पे उसने अंडा देना है, तो अंडा देने के बाद मुर्गी उसी अंडे को गदला नहीं करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।